पहला तिमोथियोस कलीसिया और उसके चरवाहे, इसमें हम देखेंगे परमेश्वर एक व्यक्ति को सेवकाई के लिए कैसे तैयार करता है, किन बातों के लिए प्रार्थना करें, कलीसिया में स्त्रियों की सेवकाई, प्राचीनों की योग्यताएं, ईश्वरीयता का बड़ा रहस्य, अपने जीवन द्वारा उदाहरण बने, कुछ व्यावहारिक निर्देश। तिमोथियोस और तीतुस को लिखी पत्रियां पौलुस के जीवन के अंत में लिखी गई थी। दूसरा तिमोथियोस अंतिम पत्री है। ये तीनों पत्रियां कलीसिया में सेवा करने वाले प्रभु के सेवक से संबंधित है। पहला तिमोथियोस की विषय वस्तु कलीसिया और उसके चरवाहे है। वो मनोभाव जो कलीसिया के चरवाहों और अगुओं का होना चाहिए, उनके जीने का तरीका, और ये कि उन्हें कलीसिया के कामकाज को किस तरह चलाना चाहिए। ये एक दिलचस्प बात है कि पौलुस की इन तीनों अंतिम पत्रियों की विषय वस्तु एक ही है। पौलुस को यह एहसास हो गया था कि पृथ्वी पर उसका समय पूरा हो रहा है और वह यह चाहता था कि अगली पीढ़ी में कलीसिया के अगुओं के भी वही सिद्धांत और जीवन मूल्य हो जैसे प्रभु के सेवक के रूप में स्वयं उसके थे। उन पत्रियों में जो उसने पहले लिखी थी उसने मसीह जीवन के बारे में बात की थी, लेकिन इन तीन अंतिम पत्रियों में उसने अगली पीढ़ी के अगुओं के जीवन मूल्य उसकी अपनी पीढ़ी के जीवन मूल्यों जैसे होने के बारे में ज्यादा बात की है और अंत के दिनों में सब कैसा होगा इसके नबूवत करते हुए उसने उन अगुओं को चेतावनी दी है कि वह उन्हें उस समय के लिए तैयार कर सके। पौलुस यहाँ तिमोथियोस के आगे अपने हृदय का बोझ हल्का करता है, इसलिए हम यहाँ उन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे जो परमेश्वर के एक सेवक के मन में बसी होनी चाहिए। सबसे पहले पौलुस कहता है, अपनी कलीसिया में लोगों को अन्य प्रकार की शिक्षा देने की अनुमति न दे। 1:3 अगर आप अपनी कलीसिया में एक अगुए हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी कलीसिया में दी जा रही शिक्षा की जांच करें। आपको सचेत रहना चाहिए। कलीसिया के आरंभिक दिनों में विश्वासियों को ये आजादी थी कि जो बात उनके हृदय पर एक बोझ के रूप में होती थी वे सब के बीच में खड़े होकर उसे बांट सकते थे। उनमें से कुछ के अंदर मसीह जीवन के बारे में कुछ अन्य प्रकार की बातें हो सकती थी क्योंकि उन दिनों में किसी के पास बाइबल नहीं थी, लेकिन आज हमारे हाथों में बाइबल होते हुए भी अनेक कलीसियाओं में अन्य प्रकार के धर्म सिद्धांतों का प्रचार हो रहा है। एक अगुए को हमेशा सचेत रहना चाहिए और उसे अपने कलीसिया में अन्य प्रकार के धर्म सिद्धांतों के प्रचार की कभी अनुमति नहीं देनी चाहिए। पौलुस ने तिमोथियोस को लिखी अपनी दोनों पत्रियों में एक बात बार बार दोहराई कि वह वंशावलियों और दंत कथाओं के व्यर्थ वाद विवाद और तर्क वितर्क में न पड़े। दंत कथाएं वे बातें होती हैं जिनका उल्लेख पवित्र शास्त्र में नहीं है, जैसे कि कैन की पत्नी कौन थी। आपके पास ऐसी बातों के जवाब होने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इनसे आपको कोई मदद नहीं मिलेगी। इसी तरह के और भी ऐसे सवाल हैं जो एक जिज्ञासा से भरे मन द्वारा पूछे जा सकते हैं। हमें ऐसी अनुमानित बातों में नहीं उलझना चाहिए। फिर पौलुस तिमोथियोस को उसकी सारी शिक्षा का उद्देश्य याद दिलाता है। वो उद्देश्य है लोगों को एक पवित्र हृदय, शुद्ध विवेक और निष्कपट विश्वास से प्रेम करने वाला बनाना। 1:5 एक शुद्ध हृदय वह हृदय होता है वो उसकी पूरी भरपूरी में परमेश्वर से प्रेम करता है। एक ऐसा हृदय जिसमें परमेश्वर के अलावा और किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु के लिए कोई जगह नहीं होती। अगर आपकी कलीसिया में लोग सिर्फ कलीसियाई सभाओं में भाग लेने के लिए आ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए और एक दूसरे के लिए प्रेम में नहीं बढ़ रहे हैं,
तो आपकी सेवकाई निष्फल हो गई है, क्योंकि ऐसे विश्वासी वे होने में निष्फल हुए हैं जो परमेश्वर चाहता है कि वे हो। ये प्रेम एक शुद्ध विवेक और निष्कपट विश्वास में से भी आना चाहिए। अपने जीवन के अंत में पौलुस ने अक्सर एक शुद्ध विवेक के महत्व पर जोर दिया था, जब उस पर महायाजक के सामने प्रेरितों 23:1 और फेलिक्स के सामने 24:16 में मुकदमा चलाया गया था, तो उस समय उसने अपने अच्छे विवेक का उल्लेख किया था और अब वो तिमुथियुस को उसके महत्व के बारे में बता रहा था। पौलुस ने यह देखा था कि एक अच्छा विवेक न बनाए रखने की वजह से मसीह सेवकों ने कैसे अपने जीवन बर्बाद किए थे, 1:19। और जिस निष्कपट विश्वास की बात पौलुस ने यहाँ की है, वह सिर्फ ये भरोसा रखना नहीं है कि प्रभु ने हमारे पाप क्षमा कर दिए हैं और वह हमें स्वर्ग में ले जाएगा, बल्कि वो ऐसा विश्वास है जो हमारे प्रतिदिन के जीवन की परीक्षाओं में प्रभु में अपना भरोसा बनाए रख सकता है। अगर आपको एक स्थानीय कलीसिया का निर्माण करने के लिए बुलाया गया है, तो मन में रखने के लिए ये एक अच्छा पद है। 1:5। अगर आपने अपने लोगों की एक पवित्र हृदय, शुद्ध विवेक और निष्कपट प्रेम से परमेश्वर और दूसरे मनुष्यों से प्रेम करने में अगुवाई की है, तो आप एक सफल बड़े भाई हैं। पौलुस 1:6 में तिमुथियुस को चेतावनी देते हुए कहता है, कुछ लोग इन मूल सत्यों से भटक गए हैं और इस वजह से वे व्यर्थ की चर्चाओं और वाद विवादों में फंस गए हैं। वे व्यवस्था के शिक्षक बनना तो चाहते हैं, लेकिन जो कुछ कहते हैं न तो उसे और न उन बातों को समझते हैं जिन्हें दृढ़ता से बोलते हैं। मैंने मसीह जगत में बहुत से प्रचारकों को सुना है और मैंने ये महसूस किया है कि उनमें से ज्यादातर अपने अनुभव में से नहीं बोलते। वे सिर्फ वही प्रचार करते हैं जो उन्होंने किसी पुस्तक में पढ़ा है या जिसका किसी बाइबल कॉलेज में अध्ययन किया है या जो किसी दूसरे से सुना है। उन्होंने परमेश्वर के वचन को अपने प्रतिदिन के जीवन का हिस्सा नहीं बनने दिया है। वे स्वयं अभी उस जगह नहीं है जहां वे पूरे हृदय से परमेश्वर से प्रेम करते हो। फिर वे दूसरों की अगुवाई करते हुए उन्हें ऐसे जीवन में कैसे पहुंचा सकते हैं? जो शब्द आप परमेश्वर के एक जन से सुनते हैं, वह आपके पास परमेश्वर के पास से सीधा नहीं बल्कि एक व्यक्ति के माध्यम से पहुंचा है, सेकंड हैंड। आपको उसे परमेश्वर के सम्मुख ले जाकर ये कहना चाहिए, प्रभु तू इसे मेरे लिए सीधा तेरे पास से आया हुआ वचन बना दे, इसे मेरे जीवन के लिए एक वास्तविकता बना दे। आपने जिन सत्यों को सुना है और जब परमेश्वर के साथ आपको उनका एक जीवंत अनुभव हो जाता है, तब आप उसका प्रचार अपने संदेश के रूप में कर सकते हैं। फिर वो आपके पास एक दूसरे व्यक्ति के माध्यम से पहुंचा हुआ संदेश नहीं रहेगा। इस तरह आप मुझसे सुने हुए हर एक संदेश को सीधा परमेश्वर से प्राप्त किया हुआ संदेश बना सकते हैं। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, भाई जैक, क्या हम आपके संदेशों का प्रचार कर सकते हैं? मेरा जवाब यही होता है, अवश्य कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, मेरे संदेश को पहले अपने जीवन का हिस्सा बनाकर उसे जिए। अगर अपने जीवन का हिस्सा बनाए बिना ही आप उसका प्रचार करेंगे, तो आप अपना नाश कर लेंगे। आप एक ऐसे शिक्षक होंगे जो अपनी बोली हुई बातों को ही नहीं समझ रहे होंगे। व्यवस्था के बारे में पौलुस कहता है, अगर व्यवस्था का उचित उपयोग करे तो व्यवस्था भली है, लेकिन व्यवस्था एक धर्मी जन के लिए नहीं बनी है। 1 अध्याय 8:9। एक धर्मी जन को व्यवस्था की कोई जरूरत नहीं होती। आपको एक ऐसी व्यवस्था की जरूरत क्यों होगी जो ये कहती हो, व्यभिचार मत कर, जबकि आप अपने मन के विचारों में भी ऐसा नहीं करते। आपको एक ऐसी व्यवस्था की जरूरत क्यों होगी जो ये कहती हो, हत्या न करना, जबकि आप अपने मन में लोगों पर गुस्सा भी नहीं करते। एक धर्मी जन को 10 आज्ञाओं की कोई जरूरत नहीं है,
क्योंकि वह अपना जीवन पवित्र आत्मा में एक बहुत ऊंचे स्तर पर जीता है। उसका स्तर व्यवस्था से ऊंचा है। व्यवस्था धर्मी जनों के लिए नहीं, परंतु निरंकुशों, उपद्रवियों, विद्रोहियों और ऐसी हर एक बात के लिए है जो परम धन्य परमेश्वर के महिमामय सुसमाचार के अनुसार नहीं है। पहला अध्याय 9-11। हमने गलातियों में यह देखा था कि जब हम पवित्र आत्मा में चलते हैं तो हम कैसे व्यवस्था से मुक्त हो जाते हैं। परमेश्वर एक व्यक्ति को सेवकाई के लिए कैसे तैयार करता है। अपने जीवन के अंत में पौलुस ने एक अन्य बात पर भी जोर दिया, मेरा उदाहरण देख। वह कहता है, इस पर ध्यान दे कि मैंने अपना जीवन कैसे बिताया है। वह तिमुथियुस को बार बार यही बताता है, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूं जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, क्योंकि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर यह सेवा दी है। 1:12। परमेश्वर हालांकि अपनी प्रभु सत्ता में लोगों को अपनी सेवा में बुलाता है, फिर भी उसे सेवकाई सौंपने से पहले वह उसे परखता है। पौलुस को 10 साल तक परखा गया था। प्रेरितों के काम अध्याय 9 में हुए उसके मन फिराव से लेकर अध्याय 13 में उसको सेवकाई में भेजने तक। उन 10 सालों में पौलुस के साथ क्या हो रहा था? परमेश्वर ये देख रहा था कि एक मसीह के रूप में पौलुस अपने प्रतिदिन के जीवन में विश्वास योग्य था या नहीं, और परमेश्वर ने जब 10 साल तक परखने के बाद उसके विश्वास योग्यता को देखा तब उसने कहा, अब मैं तुझे मेरी सेवा के लिए भेजूंगा। अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो पहले वह आपको परखेगा। मुझे मालूम है कि इससे पहले कि परमेश्वर ने मेरे लिए वो सेवकाई खोली जो उसने मेरे लिए तैयार की थी, नई वाचा की कलीसियों का निर्माण करना, उसने मुझे 16 साल तक परखा था, जिनमें से 9 साल पूर्णकालिक मसीह सेवकाई में बिताए गए थे। ऐसे कल्पना कभी न करें कि मसीह सेवकाई में कदम रखते ही आपके पास एक अभिषिक्त सेवकाई होगी। परमेश्वर ये देखने के लिए आपको परखेगा कि आप छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य रहते हैं या नहीं। अगर आप छोटी छोटी बातों में विश्वास योग्य रहेंगे, उसके वचन का अध्ययन करने में विश्वास योग्य, रुपयों पैसों में, समय के उपयोग में, शुद्धता, खराई और ईमानदारी में, और जो अधिकारी परमेश्वर ने आपके ऊपर नियुक्त किए हैं उनके अधीन रहने में, तब शायद 10 साल के बाद परमेश्वर आपको एक प्रभावशाली सेवकाई सौंपेगा। जब परमेश्वर स्वयं आपको एक सेवकाई देगा तो जो कुछ आप अपनी सोच समझ द्वारा 30 साल में भी हासिल नहीं कर सकते थे, वो 1 साल की सेवकाई में हासिल कर लेंगे। पौलुस कहता है, उसने मसीह ने मुझे ये सेवकाई दी है। 1:12। किसी मनुष्य ने पौलुस का अभिषेक करके उसे नियुक्त नहीं किया था। हालांकि मैं निंदा और घोर अंधेर करने वाला व्यक्ति था। 1:13। जो एक समय में दुष्ट थे, परमेश्वर ऐसे मन फिराए हुए पापियों को सेवकाई सौंपता है। ये ऐसे लोगों के लिए एक उत्साहजनक बात है जिन्होंने बीते समय में बड़ी दुष्टता से भरे जीवन बिताया है। दूसरी शताब्दी में से आए कुछ लेखों में लिखने वालों ने ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह ने ये दिखाने के लिए कि वह धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने के लिए आया था, अपने समय के सबसे बुरे पापियों को अपने प्रेरित होने के लिए चुना। पौलुस उनमें से एक था। मसीह यीशु संसार में पापियों का उद्धार करने आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। 1:15। इसलिए ये जरूरी नहीं कि परमेश्वर सिर्फ उन्हें ही चुनता है जो परमेश्वर का भय मानने वालों के घरों में पले बड़े हैं, या जिन्होंने हमेशा एक साफ सुथरा जीवन जिया है। वो ऐसे भी बहुत लोगों को इस्तेमाल करता है, लेकिन वो ऐसे लोगों को भी चुनता है जिन्होंने पाप के गहराइयों में अपने जीवन बिताए हैं।
वह व्यभिचारियों, चोरों, शराबियों और मादक पदार्थों का सेवन करने वालों को चुनकर उन्हें प्रेरित बना देता है, जिससे यह साबित हो सके कि एक मन न फिराए हुए व्यक्ति के जीवन में पाया जाने वाला पाप उन्हें प्रेरित बनने की योग्यता पाने से वंचित नहीं कर सकता। पौलुस जो सबसे बड़ा पापी था, सबसे बड़ा प्रेरित बन गया। अगर आप अपने पापों से मन फिरा ले और परमेश्वर में भरोसा रखे, तो आप में से किसी के भी द्वारा वह बहुत कुछ हासिल कर सकता है। मैं चाहता हूं कि आप इस बात पर ध्यान दे कि प्रेरित पौलुस उसकी अपनी पापमय दशा की समझ में कैसे एक क्रमिक रूप में आगे बढ़ा था। बहुत लोग ये सोचते हैं कि वे जैसे जैसे परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ेंगे, वैसे वैसे वे अपने जीवन में मौजूद पाप से दूर होते जाएंगे, लेकिन ये सच नहीं है। हर एक ईश्वरीय भक्त इस बात को मानेगा कि वो परमेश्वर के जितना नजदीक जाता है, उसके जीवन में पाप की मौजूदगी का एहसास उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है, क्योंकि परमेश्वर असीम रूप में पवित्र है। यशाया ने परमेश्वर की पवित्रता को देखा और कहा, हे प्रभु, मैं एक पापी मनुष्य हूं। अय्यूब ने यह कहा, पत्रस ने यह कहा, यूहन्ना ने यह कहा और पौलुस ने यह कहा। पहला तिमुथियुस लिखने के लगभग 10 साल पहले, पहला कुरिन्थियों 15:9 में पौलुस ने यह कहा था, मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं। 5 साल बाद इफिसियों 3:8 में उसने कहा, मैं जो विश्वासियों में छोटे से भी छोटा हूं। और फिर और 5 साल बाद जब उसने पहला तिमुथियुस लिखा, तो उसने कहा, मैं सबसे बड़ा पापी हूं। तो हम अपनी आत्मिक उन्नति का मूल्यांकन कैसे करेंगे? अपने छोटे होने से, अपने कुछ न होने से और अपने पापमय होने के प्रति ज्यादा से ज्यादा जागरूक होने द्वारा। अगर आप इस तरह बढ़ रहे हैं, तो आप सही दिशा में जा रहे हैं। आप परमेश्वर के और ज्यादा नजदीक पहुंच रहे हैं। पहला अध्याय 18:19 में पौलुस तिमुथियुस को उत्साहित करते हुए कहता है, कुशलता से लड़ और विश्वास तथा अच्छे विवेक को बनाए रह, जिसकी उपेक्षा करके कुछ लोगों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। ऐसे लोग हैं जो अपने विवेक को शुद्ध न रख सके थे और इस वजह से उन्होंने अपने जीवन बर्बाद कर लिए थे और इस तरह उनका विश्वास खत्म हो गया था। कभी कभी ये पढ़ने में और सुनने में आता है कि एक विश्वासी ने अपना विश्वास खो दिया है। मैंने नया जन्म पाए हुए एक ऐसे मसीह के बारे में सुना, जिसने एक उदारवादी बाइबल सेमिनरी में प्रवेश लेने के बाद वहां सिखाई जा रही सब बातें सुनकर अपना विश्वास खो दिया था। उसने अपना विश्वास कैसे खो दिया था? सबसे पहले तो उसे वहां जाना ही नहीं चाहिए था। दूसरी बात कि अगर उसने अपना विवेक शुद्ध रखा होता, तो उसने अपना विश्वास न खोया होता। अनेक लोग इस वजह से अपना विश्वास खो देते हैं, क्योंकि वे अपनी आस्था पर दृढ़ नहीं रहते। ऐसे लोग इसी लायक होते हैं कि वे अपना विश्वास खो दे और नर्क में डाल दिए जाए, क्योंकि नर्क ऐसे ही डरपोक लोगों के लिए बना है, जो एक बात को एक सच्चाई के रूप में जानते हुए भी दृढ़ता से उसका समर्थन नहीं करते। प्रकाशित वाक्य 21:8। पौलुस ने ऐसे लोगों के उदाहरण के रूप में हुविनयूस और सिकंदर का उल्लेख किया। कुछ लोग कहते हैं कि हमें लोगों के नाम नहीं लेने चाहिए, लेकिन पौलुस ऐसे लोगों के नाम लेने से नहीं डरता था जो दूसरों को विश्वास से भटका रहे थे। उसे दूसरे लोगों को उनसे सचेत करना जरूरी था, इसलिए पौलुस ने हुमिनयूस और सिकंदर को शैतान के हवाले कर दिया कि वे परमेश्वर की निंदा करने का पाठ सीख सके। किन बातों के लिए प्रार्थना करें? 2:1 में पौलुस कहता है, मेरा अनुरोध है कि सब मनुष्यों के लिए निवेदन और धन्यवाद अर्पित किए जाए। हम पहले भी हर समय सब बातों के लिए धन्यवाद देने के उपदेशों के बारे में पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, लेकिन यहाँ
उससे आगे बढ़कर कहा गया है कि हम सब मनुष्यों के लिए धन्यवाद दें। इसका अर्थ है कि हम ये कहें, प्रभु मैं सब लोगों के लिए धन्यवाद देता हूँ, चाहे किसी ने मेरे साथ बुरा किया या भला, मैं सबके लिए धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू सब बातों में मेरे लिए भलाई पैदा करता है। जब तक आपका रोमियो 8:28 में विश्वास नहीं होगा, तब तक आप ये नहीं कर सकेंगे। पौलुस कहता है कि हमें उनके लिए खास तौर पर प्रार्थना करनी चाहिए जो सरकारी अधिकारी है। जिस समय पौलुस ने ये लिखा था, उस समय नीरो रोम का शासक था, जो सभी रोमी सम्राटों में सबसे क्रूर था, जिसने मसीहों को सबसे ज्यादा सताया था और बाद में पौलुस का भी सिर कटवाया था। फिर भी पवित्र आत्मा कहता है कि हमें ऐसे शासकों के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। इसलिए हमें सिर्फ ऐसे अधिकारियों के लिए ही प्रार्थना नहीं करनी चाहिए जो खरे हैं, बल्कि उनके लिए भी जो सबसे ज्यादा अधर्मी है। हमें किन बातों के लिए प्रार्थना करनी है? हमें ये प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर अंधकार की शक्तियों की लगाम खींच कर रखे और वे पृथ्वी पर उसके उद्देश्यों में रुकावट न डाल सके। हमें भारत में किन बातों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए? हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि हमारे शासक विश्वासी हो जाएंगे, उन्हें अविश्वासी बना रहने दे। पौलुस के समय में किसी भी देश के अधिकारी विश्वासी नहीं थे। हम ये प्रार्थना करते हैं कि सर्वशक्तिशाली परमेश्वर, हमारा सर्व सामर्थी पिता, हमारी देश की सरकार को अपने वश में रखे। हमारे कलीसिया में हमने हर एक चुनाव के समय में ये प्रार्थना की है कि परमेश्वर एक अच्छी सरकार को सत्ता सौंपे। हमने ये प्रार्थना भी की है कि सरकार द्वारा लिए जाने वाले फैसलों को परमेश्वर अपने वश में रखे, और हमने अपनी प्रार्थनाओं के अद्भुत जवाब पाए हैं। अगर आपका ये विश्वास नहीं है कि स्वर्ग का सर्वशक्तिशाली परमेश्वर एक देश की सरकार को अपने वश में रख सकता है, तो निश्चित रूप से आपको प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। अगर आप में विश्वास नहीं है तो प्रार्थना करने का भी कोई अर्थ नहीं है। लेकिन मेरा ये विश्वास है कि एक ईश्वरीय भक्ति से भरा जीवन जीने वाले और एक शुद्ध विवेक वाले अगर कुछ लोग ही प्रार्थना करेंगे, तो वे भी एक देश की सरकार को इस तरह प्रभावित कर सकेंगे कि उस देश में परमेश्वर के उद्देश्य पूरे हो सके। ऐसे समय भी होते हैं जब परमेश्वर की ये इच्छा होती है कि कलीसिया सताव में से गुजरे। ये उसके सदस्यों को शुद्ध करने के लिए होता है। तब हमें उस सताव को स्वीकार करना चाहिए। आरंभिक मसीही 200 सालों तक सताए गए थे। यीशु ने अपने शिष्यों को चेतावनी दी थी कि अंत के दिनों में सब मनुष्य तुमसे घृणा करेंगे। फिर हम ये प्रार्थना कैसे करें? प्रभु तू मुझे लोगों की घृणा का पात्र मत बना। हम ऐसे बात के खिलाफ कैसे प्रार्थना कर सकते हैं जो हमारे प्रभु ने स्वयं कहा है कि वो होना है? यीशु ने ये भी कहा था कि अंत के दिनों में अकाल, भूकंप और युद्ध होंगे। तब हम ये प्रार्थना कैसे करें कि कहीं कोई अकाल, भूकंप और युद्ध न हो? लेकिन हम ये प्रार्थना जरूर कर सकते हैं कि दुष्टता की शक्तियों को वश में रखा जाए। 2 थिस्सलुनीकियों 2:6-7 में हमने जगत में काम कर रही एक रोकने वाली सामर्थ के बारे में पढ़ा था। वो पवित्र आत्मा है जो कलीसिया के द्वारा काम कर रही है। एक दिन पवित्र आत्मा अपना रोकने का काम बंद कर देगी और तब मसीह विरोधी अपनी शक्ति में प्रबल हो उठेगा। लेकिन जब तक वह दिन नहीं आता, हमें अपने देश के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते रहना है और अपनी प्रार्थनाओं से उन्हें प्रभावित करते रहना है। हम राजनीति में सक्रिय भाग लेने से कहीं बढ़कर प्रार्थना द्वारा सरकार को प्रभावित कर सकते हैं। हम ये प्रार्थना नहीं करते कि हमें सताव न सहना पड़े, बल्कि ये कि हम चैन और शांति सहित पूर्ण भक्ति और गंभीरता के साथ अपने जीवन व्यतीत कर सके। 2:2 लेकिन अगर परमेश्वर को ऐसा लगता है
कि मसीहों को भारत में सताव के दौर से गुजरना है तो हम वह भी स्वीकार करेंगे। 2:4 में पौलुस कहता है, परमेश्वर ये चाहता है कि सब लोग उद्धार प्राप्त करें और सत्य को जाने। इससे हम सीखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा यही है कि जगत का हर एक व्यक्ति उद्धार प्राप्त करे। परमेश्वर ने पहले से किसी का नर्क में जाना निश्चित नहीं किया है। ये पद हमें सिखाता है कि परमेश्वर न सिर्फ ये चाहता है कि सबका उद्धार हो, बल्कि ये भी कि वे उसके विषय के सत्य का पूरा ज्ञान प्राप्त करें। एक व्यक्ति के उद्धार पा लेने के बाद उसके लिए परमेश्वर की इच्छा का अगला भाग यही है कि वह परमेश्वर के विषय के ज्ञान का पूरा सत्य जान ले। 2:5 में हमें बताया गया है कि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर तथा मनुष्यों के बीच एक ही मध्यस्थ भी है, अर्थात यीशु मसीह जो मनुष्य है। यीशु के स्वर्ग में उठा लिए जाने के 35 साल बाद पवित्र आत्मा उसे फिर भी मनुष्य यीशु मसीह कहता है। वह ईश मानव गॉड मैन नहीं है जो कुछ लोग गलती करते हुए उसे कहते हैं। वो 100% परमेश्वर है जैसा वो हमेशा से था, लेकिन जब उसने एक बार मनुष्य का रूप ले लिया तो वो अब हमेशा के लिए 100% मनुष्य भी है। वो स्वर्ग में हमारा प्रतिनिधि होने के लिए हमारी मानवीयता वहां ले गया है और वो हमें अपनी ईश्वरीयता दे गया है ताकि हम पृथ्वी पर उसके प्रतिनिधि हो। यीशु स्वर्ग में विश्वास योग्य होकर अपना काम कर रहा है, पिता के सामने हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है। हमें भी पृथ्वी पर विश्वास योग्य रहते हुए उसका प्रतिनिधि होना है। कलीसिया में स्त्रियों की सेवकाई 2:9 में आगे पवित्र आत्मा ये बताता है कि कलीसिया में स्त्रियों की वेशभूषा और उनका आचरण कैसा होना चाहिए। स्त्रियां ऐसे वस्त्र पहने जो सभ्य और शालीन हो। इसका अर्थ है कि उनके वस्त्रों की बनावट डिजाइन ऐसे न हो जो पुरुषों को उनकी लालसा करने के लिए उत्तेजित करे। सांसारिक स्त्रियों की वेशभूषाओं की बनावटें डिजाइन पुरुषों को उत्तेजित करने के लिए होती है। बहनों, जब आप कपड़े खरीदे तो ये ध्यान रखिए कि वे सभ्य हो। अगर आपके कपड़े कोई दर्जी टेलर सिल रहा है तो उसे स्पष्ट बताएं कि आप अपनी देह को किस तरह ढापना चाहती हैं। सभ्य वेशभूषा का अर्थ ये नहीं है कि आप बेढंगे कपड़े पहने। सभी भाइयों और बहनों की ये अच्छी साक्षी हो सकती है कि वे सभ्य और शिष्ट कपड़े पहनने वाले और सुंदर लिबास पहनने वाले स्त्रियां और पुरुष हैं। नीट, स्मार्ट और डिसेंट, एक स्त्री के आकर्षक नजर आने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसकी वेशभूषा पुरुषों को उत्तेजित करने वाली न हो। पवित्र आत्मा ने आगे कहा है कि वे बाल गूंथने, सोने और मोतियों के आभूषण पहनने और महंगे वस्त्रों से अपने आप को न सजाए। कुछ कलीसियाओं में प्रचारक सोने से श्रृंगार न करने के बारे में तो बोलते हैं, लेकिन महंगे वस्त्र न पहनने के बारे में नहीं बोलते। वे बहन से उसके 3,000 रुपए के कान की बाली न पहनने के लिए तो कह देते हैं, लेकिन उसके 15,000 की साड़ी के बारे में कुछ नहीं कहते। इस तरह वे उसे पाखंडी बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पवित्र शास्त्र के इस भाग का उद्देश्य धन, वस्त्रों और आभूषणों के प्रदर्शन से बचने पर जोर देना है। इसके बजाय मसीह स्त्रियों को अपने आप को भले कामों से सजाना चाहिए, जैसा कि धर्मी भक्त स्त्रियों को शोभा देता है। पवित्र आत्मा फिर कलीसिया में स्त्रियों की सेवकाई के बारे में बात करता है। 1 तीमुथियुस की विषय वस्तु कलीसिया और उसके चरवाहे है। 3:15 में पौलुस तीमुथियुस से कहता है, मैं ये बातें तुझे इसलिए लिख रहा हूं कि तू ये जाने कि कलीसिया में तेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए। कलीसियाई सभाओं में प्रत्येक स्त्री चुपचाप और संपूर्ण अधीनता से शिक्षा ग्रहण करे। 2:11
वह सिखाने की कोशिश न करे और उसके पास ऐसा कोई अधिकार न हो कि वह पुरुषों को उसकी अधीनता में रख सके। वह पास्टर या प्राचीन न हो। वह छोटे बच्चों को घर में या संडे स्कूल में सिखा सकती है। वह एक सुसमाचार प्रचारक या मिशनरी भी हो सकती है और मन न फिराए हुए स्त्रियों और पुरुषों के बीच सुसमाचार का प्रचार भी कर सकती है। वह प्रार्थना कर सकती है, गीत गा सकती है और कलीसिया की सभा में एक संक्षिप्त रूप में नबोध भी कर सकती है, जैसा हम 1 कुरिन्थियों 11:5 में पढ़ते हैं। लेकिन जहां तक पुरुषों को सिखाने की बात है तो उसे चुप रहने की आज्ञा दी गई है। वह कलीसिया में अपनी साक्षी बांट सकती है और ऐसे किसी वचन के बारे में बता सकती है जिससे उसे आशीष मिली हो, लेकिन उसे शिक्षक नहीं होना है। वह पुरुषों पर अपना अधिकार जताने वाली न हो। रोमियो अध्याय 16 में हम ऐसी 5 स्त्रियों के बारे में पढ़ते हैं जो प्रेरित पौलुस की सहकर्मी थी। वे सिर्फ खाना बनाने वाली नहीं थी, असल में वे प्रभु की सेवा करने वाली स्त्रियां थी। वे सुसमाचार प्रचार करती थी और कलीसियाओं में स्त्रियों और बच्चों के बीच सेवा करती थी। इस तरह आरंभिक कलीसियाओं में स्त्रियों की एक बड़ी सेवकाई थी। भारत जैसे देश में एक पुरुष के लिए एक स्त्री से बात करना बहुत मुश्किल होता है, तो भारत की 50% आबादी स्त्रियों के पास सुसमाचार लेकर कौन जाएगा? कलीसिया की बहनें दूसरी बहनों को परामर्श देने और भारतीय स्त्रियों को सुसमाचार सुनाने की एक बड़ी सेवकाई कर सकती है। हमें स्त्रियों की इस सेवकाई में कोई रुकावट पैदा नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब कलीसिया के अंदर अधिकार की बात हो तो पहले आदम और फिर हव्वा को बनाया गया था, 2:13। और दूसरी बात कि आदम नहीं बल्कि हव्वा बहकावे में आई थी, 2:14। संतान को जन्म देने में भी स्त्रियों की एक महान सेवकाई है। इस पत्री को पाने वाला तिमुथियोस उसकी माँ द्वारा परमेश्वर भक्ति के जीवन में पाले पोसे जाने द्वारा ही परमेश्वर का एक जन बना था। उसकी माँ के बिना वो एक प्रेरित नहीं हो सकता था। पिताओं से ज्यादा माताएं घरों में बच्चों के साथ रहती है, इसलिए बच्चे उनके प्रभाव में ज्यादा रहते हैं और वे उन्हें यीशु के शिष्य बना सकती है। यहाँ आगे ऐसा लिखा है, स्त्रियां अगर संयम के साथ विश्वास, प्रेम व पवित्रता में बनी रहे तो संतान उत्पन्न करने द्वारा उद्धार पाएगी, 2:15। प्रभु ने उत्पत्ति अध्याय 3 में हव्वा से कहा था कि उसे बड़ी पीड़ा सहते हुए बच्चों को जन्म देना पड़ेगा। इसलिए पौलुस वो याद करते हुए यहाँ आदम और हव्वा की बात करता है और स्त्रियों से कहता है कि उन्हें संतान उत्पन्न करने से भयभीत नहीं होना चाहिए। जब वे संतान उत्पन्न करेंगी तो परमेश्वर उन्हें संभालेगा। वे सिर्फ विश्वास, प्रेम और पवित्रता में बनी रहे। प्राचीनों की योग्यताएं अध्याय 3 में पवित्र आत्मा कलीसिया में प्राचीनों और अन्य सेवकों की योग्यताओं के बारे में बात करता है। 3:1-7 में प्राचीनों की योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। उनके लोगों के बीच एक अच्छे साक्षी होनी चाहिए और वे एक ही पत्नी के पति होने चाहिए। उन दिनों में ऐसे पुरुष भी थे जिनकी 2 या 3 पत्नियां थी। अगर एक पुरुष और उसकी 3 पत्नियां मन फिरा ले तो उस पुरुष को क्या करना था? उसे अपनी पहली पत्नी के साथ रहते हुए दूसरी पत्नियों को एक अलग घर में आर्थिक रूप से संभालना था। वे सब कलीसिया का हिस्सा हो सकते थे, लेकिन वह व्यक्ति एक अच्छा भाई होते हुए भी कलीसिया में प्राचीन नहीं हो सकता था। इसी तरह एक तलाकशुदा, दोबारा विवाह किया हुआ पुरुष भी कलीसिया में प्राचीन नहीं हो सकता, क्योंकि वह भी 2 पत्नियों वाला पुरुष है। कलीसिया के प्राचीनों के लिए विवाहित पुरुष होना अच्छा है, क्योंकि उन्हें विवाहित लोगों को परामर्श देना है। एक प्राचीन संयमी, समझदार, सम्माननीय
अतिथि सत्कार करने वाला, शिक्षा देने में निपुण और शराब के व्यसन से मुक्त होना चाहिए। वह एक स्वार्थी और सुख सुविधाओं से भरे जीवन की इच्छा रखने वाला न हो। वह वाद विवाद करने वाला नहीं बल्कि नम्र हो, और सबसे बढ़कर वह धन का लोभी न हो। इस बात पर ध्यान दीजिए कि नई वाचा में धन के प्रेम से मुक्त रहने पर कितना ज्यादा जोर दिया गया है। इस बारे में पुरानी वाचा में कोई बात नहीं की गई है। पुरानी वाचा में इसराइलियों को सिर्फ धन के खतरों से सचेत किया गया था, लेकिन यीशु और प्रेरितों ने धन के प्रेम से मुक्त होने की जरूरत पर जोर दिया था। एक प्राचीन अपने बच्चों की अच्छी देखभाल करने वाला होना चाहिए। अगर एक पुरुष अपने घर में अपने ही बच्चों पर अंकुश नहीं लगा सकता, तो वह परमेश्वर के घर को कैसे संभालेगा? अगर वह घर में 3 या 4 बच्चों को नहीं संभाल सकता, तो कलीसिया में 300 बच्चों को कैसे संभालेगा? ये उसके लिए असंभव होगा। इसलिए एक व्यक्ति अपने बच्चों की कैसी परवरिश करता है, उन्हें कैसे नियंत्रित करता है और अपना घर कैसे चलाता है, ये उसकी उन योग्यताओं में से एक है जो कलीसिया में जिम्मेदारी सौंपने के लिए उसमें होनी जरूरी है। इससे हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर के सेवक होने के लिए हमारा पारिवारिक जीवन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ पास्टरों के बच्चे उनकी कलीसिया के सबसे ज्यादा अनुशासनहीन बच्चे होते हैं। ये एक बहुत खराब साक्षी है। ऐसे व्यक्ति को कलीसिया में अगुवाई नहीं करनी चाहिए, अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। नए विश्वासियों को प्राचीन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वे घमंड के फंदे में पड़ सकते हैं। 3:6 डीकन सेवक शब्द असल में यूनानी भाषा का डियोकोनस है, जिसे एक दुर्भाग्यपूर्ण रूप में अंग्रेजी बाइबल में भी ले लिया गया है। उसका अर्थ सिर्फ सेवक होता है और उसका अनुवाद वही होना चाहिए था। प्राचीन कलीसिया के आत्मिक अगुवे होते हैं, लेकिन हर एक कलीसिया में आर्थिक और अन्य व्यवहारिक गैर आत्मिक काम भी होते हैं, जैसे गरीबों में खाना बांटना आदि। इसके लिए हमें सेवकों की जरूरत होती है। सेवक शब्द ज्यादा उपयुक्त है, क्योंकि डीकन एक आदरयुक्त शब्द लगता है जो कुछ सेवकों में महत्वपूर्ण होने का झूठा एहसास भर सकता है। ऐसे सेवक भी दोहरे मापदंडों वाले न हो। 3:8-10 इसका अर्थ ये है कि वे ऐसे न हो जो एक व्यक्ति से एक बात बोले और दूसरे से दूसरी बात। उन्हें भी ईमानदार और खरा होना चाहिए। वे ऐसे लोग हो जो विश्वास का रहस्य जानते हो और एक शुद्ध विवेक के साथ जीवन बिताते हो। ऐसे सेवक भी प्राचीनों की तरह ही एक पत्नी के पति हो और अपने बच्चों की अच्छी देखभाल करने वाले हो। 3:12 कलीसिया सेवकाई में व्यावहारिक बातों की जिम्मेदारी उठाने वाले लोगों की भी उनके पारिवारिक जीवन में एक अच्छी साक्षी होनी चाहिए। 3:11 में पौलुस कलीसिया में स्त्री सेविकाओं डिग्नेसेस के बारे में बात करता है। आत्मिक अगुवाई और पुरुषों को सिखाने के अलावा कलीसियाई सेवा में स्त्रियों की बहुत सी सेवकाइयां हो सकती है। वे स्त्रियों और बच्चों को सिखा सकती है और अनेक व्यावहारिक बातों में मदद कर सकती है, लेकिन वे द्वेष भरी बुराई वाली न हो। जिस यूनानी शब्द का अनुवाद द्वेष भरी बुराई किया गया है वह डायबोलस है, जिसका अनुवाद नए नियम में 34 जगह शैतान किया गया है। तो पौलुस यहाँ ये कह रहा है कि स्त्रियों को शैतान का छोटा स्वरूप नहीं होना चाहिए, दूसरों की बुराई करने वाली। अवश्य ही पुरुषों को भी शैतान का छोटा स्वरूप नहीं होना चाहिए, लेकिन पौलुस शायद ये जानता था कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में द्वेष भरी बुराई की प्रवृत्ति ज्यादा प्रबल होती है और उनके पास ऐसे करने के मौके भी ज्यादा होते हैं। पुरुष अपने काम में ज्यादा समय बाहर व्यस्त रहते हैं, लेकिन स्त्रियां घर में रहती हैं, और जब वे बूढ़ी हो जाती है तो
उनके पास घर में ज्यादा काम भी नहीं रहता है, इसलिए वे अन्य स्त्रियों के पास बैठकर दूसरों की बुराई करती रहती है। स्त्री सेविकाओं को संयमी और विश्वास योग्य होना चाहिए। ऐसे स्त्रियों को ही कलीसिया में सेवकाई सौंपनी चाहिए। ईश्वरीय भक्ति का महान रहस्य। तीसरा अध्याय 15-16 में पौलुस एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करता है। ये ईश्वरीय भक्ति का महान रहस्य है। नए नियम में तो बड़े रहस्यों का बयान किया गया है। इनमें से एक का उल्लेख यहाँ किया गया है, मसीह हमारी देह में आया। दूसरे रहस्य का उल्लेख इफिसियों 5:32 में है, कलीसिया मसीह के साथ एक देह है। नई वाचा में एक रहस्य उस बात को कहते हैं जिसे ईश्वरीय प्रकाशन के बिना नहीं समझा जा सकता। अनिर्मित अनंत परमेश्वर एक मनुष्य कैसे बन सकता है? अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो ये मैं नहीं समझा सकता। ऐसा मनुष्य सब बातों में मानव जाति के बाकी सभी मनुष्य के समान कैसे परखा जा सकता है, जैसा संकेत उसके देह में आने में मिलता है। इब्रानियों 4:15, सच तो यही है कि मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इस पर विश्वास करता हूं और अब ये मेरा वो रहस्य बन गया है जो मेरी अगुवाई करते हुए मुझे एक ईश्वरीय जीवन में ले चलता है। इस पद का लिविंग बाइबल में इस प्रकार भावानुवाद किया गया है, ये बिल्कुल सच है कि एक ईश्वरीय जीवन का तरीका कोई आसान बात नहीं है, लेकिन इसका जवाब मसीह में है जो एक मनुष्य बनकर पृथ्वी पर आया और जो उसकी आत्मा में निष्कलंक और शुद्ध प्रमाणित हुआ। एक ऐसा मनुष्य हुआ है जो देह में आया, इस पृथ्वी पर चला फिरा और सब बातों में हमारे ही तरह परखा गया, लेकिन फिर भी जिसने एक ईश्वरीय जीवन बिताया। देहधारी मसीह इस बात का एक जीवित प्रमाण है कि जैसा परमेश्वर चाहता है मनुष्य पृथ्वी पर वैसा ही जीवन जी सकता है, पूरे हृदय से परमेश्वर से प्रेम करते हुए और दूसरे मनुष्यों से अपने समान प्रेम करते हुए, आंखों की लालसाओं पर जय पाते हुए, अपने क्रोध को वश में करते हुए, कभी ईर्ष्या न करते हुए, कभी कड़वाहट से न भरते हुए आदि। यीशु देह में आया और पवित्र आत्मा ने उसे सही ठहराया। 3:16, इसका अर्थ है कि आत्मा ने उसके जीवन के हर एक क्षेत्र की छानबीन की और फिर ये कहा कि वह 100% शुद्ध है। उसे स्वर्गदूतों ने देखा। स्वर्गदूतों ने परमेश्वर के देह धारण करने, इस पृथ्वी पर एक मनुष्य बनकर चलने फिरने, मानवीय जीवन के हर एक क्षेत्र में परखे जाने और उसके हर एक बात में जयवंत होने के इस महान रहस्य को देखा। हम जगत में सभी जातियों के बीच इसका ही प्रचार करते हैं। जब वह पृथ्वी पर था तब भी लोगों ने उस पर विश्वास किया था और फिर उसे महिमा में उठा लिया गया। ये ईश्वरीयता का भेद है और हमें भी इसी तरह जाना है। आज हम देह में हैं। पवित्र आत्मा ये देखने के लिए हमारे जीवन की छानबीन करता है कि हम शुद्ध हैं या नहीं। स्वर्गदूत हमें देख रहे हैं। इफिसियों 3:10, हमारा जीवन देश देश के लोगों के सामने इस बात का प्रचार है कि सुसमाचार क्या है। लोग विश्वास करते हैं और अगर हम विश्वास योग्य रहेंगे तो एक दिन हम भी महिमा में ऊपर उठा लिए जाएंगे। लेकिन पवित्र आत्मा कहता है कि अंत के दिनों में बहुत से मसीह भरमाने वाली आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाने द्वारा, जो प्रचारकों में से काम करेगी, विश्वास से भटक जाएंगे और पवित्र होने के बारे में परमेश्वर की पवित्रता के तरीके से
विपरीत कुछ दूसरी ही शिक्षा देंगे। 4:1 ये नए धर्म सिद्धांत दुष्टात्माओं की शिक्षाएं होंगी। जब हम दुष्टात्माओं की शिक्षाओं के बारे में पढ़ते हैं तो हम कुछ भयानक बातों की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन वे ऐसी बातें नहीं हैं, वे सिर्फ भरमाने वाली बातें हैं, जैसे अविवाहित रहने की शिक्षा। अंत के दिनों में कुछ लोग ये सिखाएंगे कि विवाह न करना ईश्वरीय भक्ति का मार्ग है। ये एक दुष्टात्मा की शिक्षा है। कुछ दूसरे लोग ये सिखाएंगे कि कुछ खास तरह की वस्तुओं को न खाने से एक ईश्वरीय जीवन प्राप्त किया जा सकता है। मांस न खाने से या उपवास करने से या अपनी देह को यातना देने से। ये सब दुष्टात्माओं की शिक्षाएं हैं। वे भली प्रतीत होती हैं, लेकिन वह सब एक धोखा है। ईश्वरीय जीवन पाने का मार्ग मसीह के जीवन को हमारी देह में प्रकट करने द्वारा, उसके स्वभाव में सहभागी होने द्वारा और पवित्र आत्मा की सामर्थ में होकर उसके उदाहरण का अनुसरण करने द्वारा है। पवित्र आत्मा आपको यीशु का जीवन दिखाएगा और धीरे धीरे आपको उसकी समानता में बदलेगा। हर एक कलीसिया को इस सत्य का स्तंभ और समर्थक होना चाहिए, वरना हम एक ऐसी कलीसिया तैयार करेंगे जिसमें ऐसे बहुत से नियम और निर्देश होंगे, जैसे हमें उपवास करना चाहिए, हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हमें बाइबल पढ़नी चाहिए आदि। ये सभी अच्छी बातें हैं, लेकिन अगर हम पवित्र आत्मा की सामर्थ द्वारा मसीह के जीवन को हम में से प्रकट होने पर जोर नहीं देंगे, तो फिर ये बातें सिर्फ विधिवादी फरीसी ही पैदा करेंगे। अगर कोई अविवाहित रहना चाहे या उपवास करना चाहे तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये ईश्वरीय जीवन का रहस्य नहीं है। फिर पौलुस कहता है कि इस मामले में अनेक लोग इसलिए भरमाए जाएंगे क्योंकि उनके जीवन में पाखंड कपट है। 4:2 उनमें झूठ बोलने वाली आत्मा है और उनके विवेक बुरे हैं। अगर आपके जीवन में पाखंड है, झूठ है या आपका विवेक अच्छा नहीं है, तो आप दुष्टात्माओं की शिक्षाओं द्वारा भरमाए जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। फिर वह तिमुथियों से कहता है, अगर तू विश्वासियों को ये याद दिलाता रहेगा कि ईश्वरीय भक्ति के जीवन का भेद ऐसे किसी आत्मसंयम में नहीं, बल्कि मसीह के जीवन का उनकी देह में प्रकट होना है, तो तू मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा। 4:6 क्या आप यीशु के अच्छे सेवक होना चाहते हैं? तो आप इन बातों को दूसरों को याद दिलाते रहे और लगातार विश्वास के इन शब्दों से पोषित होते रहे। वह कहता है, अपना समय ऐसी सांसारिक कथा कहानियों में बर्बाद न कर जो केवल बूढ़ियों के योग्य है। बूढ़ी स्त्रियों को कोई काम नहीं होता, इसलिए वे बैठे बैठे संसार की बातें करती रहती है। पौलुस कहता है, ऐसी कथा कहानियों से कोई संबंध न रख, बल्कि भक्ति के लिए अपने आप को अनुशासित कर। 4:7 पौलुस अनुशासन के खिलाफ नहीं था। हर एक मसीह के जीवन में अनुशासन की बहुत जरूरत है, उपवास और प्रार्थना की बहुत जरूरत है, लेकिन अपने आप में दैहिक अनुशासन और शारीरिक व्यायाम किसी व्यक्ति को ईश्वरीय नहीं बना सकते, लेकिन ईश्वरीय भक्ति का लाभ इस जीवन में और अगले जीवन में भी मिलता है। दूसरे शब्दों में, अगर आप एक ईश्वरीय जीवन जिएंगे, तो वह आपके शारीरिक स्वास्थ्य को भी सुधारेगा। अगर हम ईर्ष्या, कड़वाहट और क्रोध से मुक्त होंगे तो हम शारीरिक तौर पर भी ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। अगर हम कड़वाहट और चिंता से मुक्त रहेंगे तो हम कब्ज, दमा, गठिया और माइग्रेन के सिरदर्द की समस्याओं से बच जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये रोग हमेशा आत्मिक कारणों से ही होते हैं, नहीं, उनकी वजह अक्सर प्राकृतिक होती है।
लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये बीमारियां किसी व्यक्ति के जीवन में पाप की वजह से आई हो। अपने जीवन के द्वारा एक उदाहरण बने। इफिसुस की कलीसिया में तिमुथियुस एक युवक था और उस कलीसिया में उससे बड़ी उम्र के अन्य लोग भी थे। इसलिए पौलुस उसे कहता है कि उसकी छोटी उम्र की वजह से कोई उसे तुच्छ न जाने। 4:12 एक युवा प्रचारक के अंदर उसके कलीसिया के बड़ी उम्र के लोगों का भय समा सकता है, खास तौर पर उनका जो धनवान और प्रभावशाली हो। पौलुस तिमुथियुस का उत्साह बढ़ाते हुए उससे कहता है कि वह उनसे भयभीत न हो, बल्कि अपने जीवन के द्वारा एक आदर्श बने, अपनी भक्तिपूर्ण बातचीत द्वारा, अपने आचरण द्वारा, उनके लिए अपने प्रेम द्वारा, सभी परीक्षाओं के बीच अपने विश्वास द्वारा और अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में शुद्ध रहने द्वारा। पौलुस ने 4:1-4 में जो कहा है यह उससे विपरीत बात है। झूठे शिक्षक सिर्फ सिखाते हैं, लेकिन सच्चे शिक्षक अपने उदाहरण से सिखाते हैं। झूठे शिक्षक सिद्धांत सिखाते हैं, लेकिन सच्चे शिक्षक अपने जीवन द्वारा सिखाते हैं। 4:13 पवित्र शास्त्र को सबके बीच में ऊंची आवाज में पढ़ने पर जोर देता है, क्योंकि उन दिनों विश्वासियों के पास बाइबल नहीं होती थी। इसलिए जिसके पास पवित्र शास्त्र होता था उसे लोगों को उसमें से बड़े बड़े भाग पढ़कर सुनाने होते थे। आज विश्वासी अपने घरों में बाइबल के बड़े भाग पढ़ सकते हैं। फिर पौलुस तिमुथियुस को याद दिलाता है कि उसे एक अच्छे जीवन और पवित्र शास्त्र के ज्ञान के अलावा और भी किसी बात की जरूरत है। एक आदर्श उदाहरण बन और पवित्र शास्त्र पर ध्यान दे। 4:12-13 ये अच्छा है, लेकिन पवित्र आत्मा के वरदान को अनदेखा न कर। 4:14 पौलुस तिमुथियुस को याद दिलाता है कि उसके पौलुस के और अन्य प्राचीनों के हाथ रखने द्वारा उसे एक आत्मिक वरदान दिया गया था। हमें प्रभु की सेवा करने के लिए आत्मा के वरदान भी चाहिए। हमें खास तौर पर नबुवत के लिए बड़ी धुन होनी चाहिए। 1 कुरिन्थियों 14:1 अर्थात इस तरह से बोलना कि हमारे शब्द लोगों के हृदयों में तीर की तरह उतरे, इस तरह जैसे पुरानी वाचा के नबियों के शब्द होते थे, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले शब्दों की तरह जो खाली नहीं लौटते। यशायाह 55:11 इस तरह सेवा करने के लिए हमें पवित्र आत्मा के अभिषेक की जरूरत है। यीशु को इसकी जरूरत थी और हम सबको उसकी जरूरत है हर समय। ये ऐसी चीज नहीं है जो हमें एक बार में ही हमेशा के लिए मिल जाएगी, नहीं, हमें हर समय अभिषेक की खोज में रहने की जरूरत होती है। युवाओं, आप ये न सोचिए कि प्रभु की सेवा करने के लिए आपको 40 साल का होने तक इंतजार करने की जरूरत है। मैं जब 19 साल का था तब मेरा नया जन्म हुआ था और 21 साल की उम्र में मेरा बपतिस्मा हो गया था और मैंने तुरंत ही प्रचार करना शुरू कर दिया था। उस समय मुझे ज्यादा कुछ मालूम नहीं था, लेकिन जो कुछ मैं जानता था उससे मैं उन्हें जिन्हें मुझसे भी कम मालूम था मसीह जीवन का क ख ग सिखा सकता था। और जैसे जैसे बड़ा होता गया मैं लोगों को ज्यादा सिखाने वाला बनता गया। एक पहली कक्षा में पढ़ने वाला छात्र एक केजी के छात्र को पढ़ा सकता है। परमेश्वर के वचन का प्रचार करने के लिए आपको बड़ी उम्र का होने की जरूरत क्यों है? जिस पल आप मन फिरा ले उसी पल से उन लोगों के लिए सुसमाचार बांटने लगे जो आपसे कम जानते हैं, खास तौर पर उनके साथ जिन्होंने मन नहीं फिराया है। परमेश्वर का वचन बांटने के लिए हमेशा तैयार रहे और उसे एक प्रभावी ढंग से बांटने के लिए
पवित्र आत्मा की सामर्थ पाने के लिए परमेश्वर की खोज में रहे। 4:15 में पौलुस तिमुथियुस को उत्साहित करते हुए कहता है, इन बातों के लिए प्रयत्नशील रहे। एक व्यापारी पैसा कमाने और अपना काम धंधा जमाने में बहुत मेहनत करता है। अगर आप मसीह जीवन के प्रति गंभीर होंगे तो आप भी पवित्र शास्त्रों का अध्ययन करने, पवित्र आत्मा के दान वरदान पाने और अपने जीवन में से हर एक अशुद्धता को दूर करने के लिए बड़ा प्रयत्न करेंगे। इस पद के एक अनुवाद में लिखा है, इन बातों में डूबे रहो। जब आप इन बातों में डूबे रहेंगे तो आपकी प्रगति सबको नजर आएगी। मैं आपको किसी बात में डूबे रहने का एक नकारात्मक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक परिवार अपने घर में टीवी पर एक लोकप्रिय कार्यक्रम देख रहा था और उसमें पूरी तरह डूबा हुआ था। कुछ चोर जो उस परिवार के इस तरह टीवी में डूबे रहने के बारे में जानते थे, चुपचाप घर में घुसे और अपनी मन चाही चीजें चुरा कर ले गए और उस परिवार को चोरी के बारे में तब तक कुछ पता नहीं चला जब तक टीवी का कार्यक्रम खत्म नहीं हो गया। इसी तरह लेकिन एक सकारात्मक रूप में हम यीशु मसीह और उसके शब्द में इस तरह डूबे रह सकते हैं कि फिर इस संसार के प्रलोभन हमें ज्यादा आकर्षित न कर सके और हम उन सब बातों के पीछे नहीं भागेंगे जिनके पीछे संसार के लोग भाग रहे हैं। अगर आप इस तरह की डूबी हुई जिंदगी जिएंगे तो आप लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। प्रत्येक वर्ष आप एक बेहतर मसीह और प्रभु के ज्यादा प्रभावी सेवक बनते जाएंगे। 4:16 में पौलुस तिमुथियुस को उसके जीवन के दो क्षेत्रों पर खास ध्यान देने के लिए कहता है। उसका जीवन और उसकी शिक्षा, ये ऐसे दो क्षेत्र हैं जिन पर हमें हमेशा नजर रखने की जरूरत है। हमारा जीवन और हमारी शिक्षा दोनों ही शुद्ध होनी चाहिए। पौलुस कहता है कि अगर हम इन दोनों क्षेत्रों में दृढ़ रहे तो हम अपने और अपने सुनने वालों के भी उद्धार का कारण होंगे। पहले हमें खुद को बचाने की जरूरत है, उसके बाद ही हम दूसरों को भी बचा सकेंगे। इसका अर्थ ये है, अगर आप स्वयं अभी तक किसी पापमय आदत से मुक्त नहीं हुए हैं तो आप दूसरों को उस आदत से कैसे बचा सकेंगे? अगर आप अपने जीवन के स्तर से ऊपर जाकर प्रचार करेंगे तो आप एक पाखंडी होंगे और परमेश्वर आपके वचनों का साक्षी नहीं होगा। हमें अपने जीवन के प्रति उतना ही गंभीर होना पड़ेगा जितना व्यापारी अपने धंधे के प्रति गंभीर होते हैं। वे अपने पूरे हृदय से लाभ कमाने के लिए समर्पित होते हैं। इसी तरह हमें भी धीरज से सहते हुए दृढ़ रहना चाहिए और परमेश्वर के लिए जीने में और उसकी सेवा में अपने आप को पूरी तरह अर्पित कर देना चाहिए। कुछ व्यावहारिक निर्देश। 5:1-2 में पौलुस तिमुथियुस को उत्साहित करते हुए कहता है कि क्योंकि वह एक युवक था इसलिए उसे हमेशा वृद्ध लोगों के साथ सम्मान पूर्वक बात करने वाला, वृद्ध स्त्रियों को अपनी माता और जवान स्त्रियों को अपनी बहन मानने वाला होना चाहिए। आज बहुत से युवक अपने से बड़े भाइयों के साथ अहंकार से बात करते हैं। ये एक संकेत है कि उनमें परमेश्वर का भय नहीं है। देखिए लय व्यवस्था 19:32। और इस वजह से ही बहुत से प्रचारक जवान बहनों के साथ पाप में गिर जाते हैं। 5:3-16 में पौलुस बताता है कि असहाय विधवाओं की कलीसिया में कैसे देखभाल करनी चाहिए। उन दिनों बहुत से विश्वासी उनके विश्वास की वजह से मार डाले जाते थे और इस वजह से उनके बीच विधवाओं की संख्या ज्यादा होती थी। पौलुस ने कहा कि कलीसिया को सिर्फ 60 साल से ज्यादा उम्र की विधवाओं की ही मदद करनी चाहिए, जबकि जवान विधवाओं को दोबारा विवाह करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और कलीसिया
सिर्फ ऐसी बूढ़ी स्त्रियों की मदद करे जिनकी देखभाल करने वाली कोई संतान या नाती पोते न हो। हम यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण पद पाते हैं जो ये कहता है कि जो उचित रीति से अपने परिवार की देखभाल नहीं करता उसे एक अविश्वासी से भी बुरा माना जाए। 5:8 फिर उसने कुछ शर्तें निर्धारित की। सिर्फ उन्हीं विधवाओं की मदद की जाए जिन्होंने अपने संतानों की परवरिश एक भक्तिपूर्ण रूप में की है, अतिथि सत्कार किया है और जिन्होंने विश्वास योग के पैर धोए हैं। 5:10 ये पद 5:10 स्पष्ट रूप से ये सिद्ध करता है कि पहली शताब्दी के विश्वासी एक दूसरे के पांव नियमित रूप से नहीं धोते थे जैसा आज कुछ लोग करते हैं, क्योंकि अगर सभी विश्वासी ये कर रहे होते तो कलीसियाएं मदद पाने के लिए विधवाओं की ये योग्यता निर्धारित करने की जरूरत नहीं पड़ती। जब यीशु ने अपने शिष्यों से ये कहा था उन्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए, यूहन्ना 13:14, तो उसके कहने का यही अर्थ था कि जैसे उसने उनके लिए किया था वैसे ही उन्हें भी एक दूसरे के लिए गंदे काम भी करने चाहिए, वो करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इसमें उसने कोई धार्मिक विधि निर्धारित नहीं की थी। 5:17-22 में पौलुस कलीसिया के प्राचीनों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण निर्देश देता है। प्राचीन 2 गुने आदर के पात्र समझे जाए। इसका अर्थ यही है कि प्राचीनों का आदर कलीसिया के बाकी सभी विश्वासियों से दुगुना ज्यादा होना चाहिए। सच्चे प्राचीन दावनी के बैल और कठोर परिश्रम करने वाले मजदूर की तरह होते हैं। 5:18 ऐसे भक्तिपूर्ण प्राचीन जो प्रचार और शिक्षा देने का कठिन काम करते हैं उन्हें दोगुना आदर मिलना चाहिए, वैसे ही जैसे एक कठोर परिश्रम करने वाले श्रमिक को उसके हक की मजदूरी मिलनी चाहिए। अगर आप एक बड़े भाई का आदर नहीं करेंगे तो ये एक मजदूर की मजदूरी न चुकाने जैसी बेईमानी होगी। प्राचीनों की बड़ी सराहना और बड़ा आदर होना चाहिए। इसके साथ ही पौलुस ने तिमुथियुस को ये निर्देश भी दिए कि पाप करने वाले प्राचीनों के साथ उसे कैसा व्यवहार करना है। सबसे पहले वह तिमुथियुस से ये कहता है, प्राचीनों के खिलाफ 2 या 3 गवाहों के बिना कोई दोषारोपण न सुन। फिर अगर ये साबित हो जाए कि वे पाप में जीवन बिता रहे हैं तो उन्हें सबके सामने डांट कि अन्य लोग भी पाप करने से डरे। प्राचीन 2 गुना आदर के योग्य है, लेकिन अगर वे पाप करें तो उन्हें सारी कलीसिया के सामने डांटना जरूरी है। पौलुस तिमुथियुस को चेतावनी देता है कि वह प्राचीनों को नियुक्त करने में हाथ रखने में जल्दी न करे। एक प्राचीन पहले परखा जाए फिर नियुक्त किया जाए। इस तरह तिमुथियुस उसके द्वारा नियुक्त किए गए प्राचीनों के पापों में सहभागी होने से स्वयं को बचाए रख सकता था। 5:22 5:23 में हम देखते हैं कि तिमुथियुस के भी देह में एक कांटा चुभाया गया था। उसके पेट में अक्सर दर्द रहता था। इसमें कोई संदेह नहीं कि पौलुस ने उसके लिए बहुत बार प्रार्थना की थी, लेकिन वह चंगा नहीं हुआ था। इसलिए पौलुस ने उसके पेट के कारण उसे थोड़ा दाखरस लेने की भी सलाह दी। ये प्रेरित शास्त्र हमें सिखाता है कि कभी-कभी सबसे बड़े ईश्वर भक्त लोगों को भी उनके रोग से चंगाई नहीं मिलती और बीमार होने पर हमें इलाज और दवा करनी चाहिए। 6:4 में पौलुस तिमुथियुस को चेतावनी देता है कि उसे वाद विवाद में नहीं फंसना चाहिए। ये ऐसी चेतावनी है जो सभी प्राचीनों को याद रखनी चाहिए। कुछ विश्वासियों की दिलचस्पी धर्म सिद्धांतिक विवादों पर निरंतर चर्चा करते रहने में होती है। ऐसे चर्चाओं से दूर रहना चाहिए। फिर वह तिमुथियुस को उत्साहित करते हुए कहता है कि परमेश्वर ने पृथ्वी पर
उसकी जरूरतें पूरी करने के लिए उसे जो कुछ दिया है उसे उससे संतुष्ट रहना चाहिए। पौलुस उसे उन खतरों के प्रति सचेत करता है जो अपनी जरूरत से ज्यादा धन का लोभ करने में रखे हैं। छठवां अध्याय 6-10। एक मसीह सेवक के लिए लालच में पड़ जाना बहुत आसान होता है। धन एक अच्छा सेवक होता है, लेकिन मालिक के रूप में वो बहुत बुरा है। जो उसकी लालसा करते हैं वे अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं और उनकी बहुत समस्याएं होती है, क्योंकि धन का लोभ सब बुराइयों की जड़ है। मसीही काम में बहुत लोगों ने धन के प्रेम में पड़कर अपने आप को अनेक दुखों से छलनी कर लिया है। इस क्षेत्र में हमें उत्साहित किया गया है कि हम विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ें और अनंत जीवन को थामे रहें। 6-12। अनंत जीवन स्वयं परमेश्वर का जीवन है, और पूरे हृदय से समर्पित तिमुथियुस जैसे भाई को भी उस जीवन को ज्यादा से ज्यादा पाने के लिए उत्साहित किया गया है। ये बात ज्यादा से ज्यादा धन पाने का सीधा विरोध करती है। हमें उस अंगीकार को याद करने के लिए उत्साहित किया गया है जो यीशु ने पुंतियुस पिलातुस के सामने किया था। 6-13। जो अंगीकार यीशु ने पिलातुस के सामने किया था वो ये था, मेरा राज इस संसार का नहीं है। एक मसीह सेवक को सुसमाचार के प्रचार से धनवान नहीं बनना चाहिए। धनवान विश्वासियों से ये आग्रह किया गया है कि वे अपने अनिश्चित धन का अहंकार न करें, बल्कि अपने धन को गरीब और जरूरतमंद विश्वासियों के साथ बांटें। 6-17-18। पत्र के समापन में पौलुस तिमुथियुस को उत्साहित करते हुए कहता है कि परमेश्वर द्वारा जो धरोहर तुझे सौंपी गई है उसकी रक्षा कर, और सारी सांसारिक बकवाद और विरोध की बातों से दूर रहे। 6-20। प्रभु अंत तक विश्वास योग्य रहने में हमारी भी मदद करे। हे स्वर्गीय पिता, हम आपके सेवक के उदाहरण के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जिनकी चुनौती 20वीं शताब्दियों से हमारे सामने आती है, और जो हमें अपने स्वयं के जीवन में चुनौती देकर हमें एक सेवक के रूप में उनके उदाहरण का पालन करने में मदद करती है। हम यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन।